सुपरस्टार संजय कपूर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड में उनका जो अब आने वाला समय है वो किस तरह से रहेगा, कौन सी नई फिल्में हैं उनकी जिसको लेकर वो दर्शकों के सामने आएंगे। सर आप बताएं किस तरह से दर्शकों को नई फिल्म, बस कोशिश करेंगे अच्छी फिल्म बनाने एज एन एक्टर एंड एज ए प्रोड्यूसर, अच्छी फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म, रियलिस्टिक फिल्म, जो भी ऑडियंस को पसंद आएगी, कोशिश करेंगे कि दिल और जान से मेहनत करके अच्छी तरह पिक्चरें बनाएं। सर फिर भी कोई ऐसी स्टोरी कोई अलग, क्योंकि अब जो बॉलीवुड में फिल्में आ रही है, आर्ट मूवीज आ रही है, किसी तरह की, क्योंकि आपने जो पहली फिल्में की आपने रोमांटिक फिल्में भी की है, अब कोई क्या कोई थ्रिल मूवी करना चाह रहे हैं या कोई किस तरह का आपको मतलब चाहते हैं कि किस तरह की मूवी आप करें? नहीं, मैंने हर टाइप की फिल्में की है, मैंने रोमांटिक फिल्म की है, एक्शन फिल्म की है, थ्रिलर फिल्म की है। मेरे हिसाब से पिक्चरें आर्टिस्टिक और आर्ट फिल्म नहीं होती है, पिक्चर अच्छी होती है या बुरी होती है, कोशिश करके अच्छी फिल्म में काम करना चाहिए। और अच्छी फिल्म का ये मतलब नहीं है कि सक्सेस इज रिलेटिव, कोई फिल्में चलती है कोई नहीं चलती है, बट जो नहीं चलती है ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब है, और जो चलती है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी है, और आपको अपनी तरफ से 100% देना चाहिए, वही हम मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि सर आप बहुत पुराने एक्टर हैं लंबे समय से, क्योंकि आपके बाद भी कई ऐसे एक्टर आए हैं जो नए एक्टर हैं, क्या लगता है सर आपको नए एक्टर्स में किस तरह का पोटेंशियल है जो अब की फिल्में बन रही है, क्योंकि आपके समय में जबरदस्त फिल्में होती थी, उनके गाने जबरदस्त होते थे, और अब की फिल्मों में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, जो आज के एक्टर आए हैं वो बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि वो एक वक्त पर एक ही फिल्म कर रहे हैं, तो आज जो बिकॉज ऑफ मल्टीप्लेक्सेस इसलिए आपको मौका मिल रहा है कि आप एक फिल्म में कॉन्सेंट्रेट कर सकें और एक फिल्म में पूरी अपनी जान लगा सकें। जब मैं एक्टर बना था वे बैक इन 1995, मेरी पहली फिल्म भी नहीं लगी थी और मैं एक वक्त में 5 फिल्म कर रहा था। मैं प्रेम कर रहा था, राजा कर रहा था, करते हुए अब बेकाबू और छुपा रुस्तम एक साथ शूटिंग कर रहा था और मेरी पहली पिक्चर भी नहीं लगी थी। तो ऑब्वियसली आपका टाइम बढ़ते जाता है, तो आजकल के एक्टरों का ये डेफिनेट एडवांटेज है कि वो पहली पिक्चर से ही पूरे प्रिपेयर्ड आते हैं, क्योंकि एक फिल्म ही मिलती है तो इतने मौके नहीं मिलते, तो यू हैव टू बी द बेस्ट इन योर फर्स्ट फिल्म इटसेल्फ। क्योंकि आपने माधुरी जी के साथ भी काम किया, आपने तमाम बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया जो रोल मॉडल है आज की तारीख में हीरोइंस के, अब कोई नई हीरोइन के साथ यदि काम करने का मौका मिलेगा तो कौन सी हीरोइन? डिपेंड करता है कौन सी फिल्म हो, बहुत अच्छे एक्टर्स इस वक्त हैं, बट अगर एक को अगर चूज करना तो मुझे लगता है कि आलिया भट्ट इज वेरी गुड है। सर आखिरी सवाल इंडिया फर्स्ट के दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द कहें। मैं ये कहना चाहूँगा सबके लिए, यहाँ स्पेशली भोपाल में आया हूँ तो भोपाल के लोगों के लिए बोलना पड़ूंगा कि हमेशा अच्छा लगा यहाँ पे एमपी में आके, चाहे इंदौर हो या भोपाल हो, मेरा ये पहला विजिट है भोपाल का, बट एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का शहर बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ज़रूरी होता है वो कि आप जिस शहर में आओ आप जो लोगों को मिले पहली बार वो अच्छी तरह आपसे मिले और अच्छे लोग हैं, यूँ पता चलता है कि ये लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और शहर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ संजय कपूर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले फिल्मों इन दर्शकों के लिए अच्छी फिल्में लाने वाले हैं और यदि उनको मौका मिला तो आलिया भट्ट के साथ जरूर काम करेंगे। एक खास बात ये बोलिए कि भोपाल जिस शहर में इस वक्त मौजूद है वो सबसे अच्छा शहर उन्हें लगता है। अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।